अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मुश्ताक ऑटो सर्विस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम CG15 के ASV सिस्टम में लगे हुए फ़िल्टर के बारे में जानेंगे। ये हमारे पास फ़िल्टर है, तो इसके बारे में जानेंगे कि इसका क्या काम होता है और इसको कैसे साफ़ करना चाहिए और कितनी देर बाद तब्दील करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस और मोटरसाइकिल के मुताबिक बहुत सारी वीडियोस हम बनाते रहते हैं, तो बहुत सारा जो है उनमें अच्छे अच्छे टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, तो वो आपको मिलती रहेंगी, तो आपका फ़ायदा होगा, औरों को भी शेयर कर दें ताकि औरों को भी फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं कि हमारे दोस्त जो है अक्सर जो है इस फ़िल्टर को साफ़ करते हुए गलती करते हैं कि इसमें बजाय हवा का प्रेशर इस्तेमाल करने के इसमें पेट्रोल वगैरह डाल के इसको धोते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आपने हमेशा इस फ़िल्टर को हवा के प्रेशर से साफ़ करना है। तो करना क्या है कि आपने इस फ़िल्टर को इस तरफ से जब आप निकालेंगे बाइक में से, तो इसको किसी भी चीज़ पे ऐसे इसको झाड़ना है। इस तरह झाड़ने के बाद इसमें अच्छी तरह हवा का प्रेशर लगाना है, इस तरह इस साइड से पहले लगाएंगे ताकि इस तरफ से, क्योंकि डस्ट वगैरह इस तरफ से आता है तो ये बंद हो जाता है अंदर से फ़िल्टर इसका, और बाद में फिर इस तरफ से लगाएंगे। और फिर इसी तरह दोबारा इसको हम किसी चीज़ पे इस तरह ठुकराएंगे, इसको ठकोरेंगे ज़रा, और फिर इसमें प्रेशर मार देंगे। तो दोस्तों, अब जब इसमें से काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह निकल जाएगा क्योंकि वो खुशक हालत में होगा, हमारे दोस्त जो हैं कुछ ये गलती कर देते हैं कि इसको पेट्रोल से धो देते हैं। तो पेट्रोल से धोने के बाद दोस्तों, इसके अंदर जो फ़िल्टर बना हुआ है वो फ़िल्टर नमी की वजह से चोक हो जाता है और हमारा जो ASV सिस्टम है उसको यहाँ से हवा नहीं मिलेगी, ये फ़िल्टर चोक हो जाएगा, इस तरफ से हवा का गुज़र बंद हो जाएगा। तो उसका नुकसान क्या होगा कि हमारे इस गलती की वजह से जब एयर सेक्शन वाल को, जो हमारा एयर सेक्शन वाल है, जो ASV किट लगी हुई है, यूरो किट जो लगी हुई है, उसको हवा नहीं मिलेगी तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकेगा और जो मकसद है उसका लगाने का वो फ़ेल हो जाएगा। तो हमेशा इसको आपने हवा से साफ़ करना है और इसमें पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं डालना। तो ये फ़िल्टर जो है हमने चेंज किया है क्योंकि ये बंद हो गया था, किसी भाई ने, दोस्त ने इसको पेट्रोल से साफ़ किया, तो मैंने सोचा कि इसको खोल के अंदर से आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से हमारा जो फ़िल्टर है ये चोक हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमने इसको थोड़ा सा जब इस तरह ठुकराया है तो ये यहाँ से टूट गया है इस तरह, तो हम जो है इसको मज़ीद और इस तरह लगा के, तो यहाँ से पेचकस की मदद से खोल के देखेंगे। ये देखें, पेचकस की जब मदद से हम इसको खोलते हैं तो दोस्तों, इसके अंदर से फ़िल्टर का हाल क्या होता है ये हम आपको दिखा देंगे। क्योंकि दोस्तों, हर फ़िल्टर का मकसद होता है, कुछ दोस्त हमारे एयर फ़िल्टर को कट लगा रहे होते हैं, कुछ दोस्त जो है इसमें पेट्रोल का प्रेशर लगा रहे होते हैं, तो इसके सामने ही इसका फ़िल्टर लगा हुआ है जहाँ से हम इसको खोल रहे हैं। ज़रा थोड़ी सी, ये ओरिजिनल फ़िल्टर है, ज़रा मुश्किल से खुलेगा। तो दोस्तों, मैं ये आपको यहाँ से ब्लेड से किसी चीज़ से काट के दिखाता हूँ, मैं इसको पहले काट लूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। तो दोस्तों, ये हमने इसको काट लिया है और काटने के बाद फ़िल्टर कुछ इस तरह से अंदर से निकलता है। तो अभी दोस्तों देखें, इसमें गत्ते का फ़िल्टर होता है और गत्ते का फ़िल्टर जो है जब उसके अंदर नमी जाएगी पेट्रोल की, तो क्या होगा कि यकीनन वो चोक हो जाएगा। अभी भी ये काफ़ी, यानी प्रेस किया हुआ है, कंपनी की तरफ से बड़ी अच्छी इसकी जो है पैकिंग आती है, लेकिन हमारी एक छोटी सी गलती से इसको हम इस तरह निकाल देते हैं। तो ये देखो दोस्तों, नमी की वजह से फ़िल्टर जो है मुकम्मल तौर पे चोक हो चुका है। तो चोक होने की वजह से अब क्या हो रहा था कि फ़िल्टर को जो है एयर सेक्शन वाल को जो है हवा नहीं मिल रही थी, जो हमने इसमें पेट्रोल डाला था, पेट्रोल डालने की वजह से इसको हवा नहीं मिल रही थी और बाइक जो है, बाइक का एयर सेक्शन वाल जो है वो काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा था और उसका मकसद बिल्कुल फ़ेल हो गया था। देखिए दोस्तों, इतना सस्ता भी नहीं होता है ये फ़िल्टर, कॉस्टली अगर हम जेन्युइन लेते हैं तो ये महंगा मिलता है, लेकिन अगर हम छोटी सी गलती करते हैं, इसमें पेट्रोल डाल के इसको ख़राब कर देते हैं, बज़ाहिर तो लगता है कि हम अपने ग्राहक का फ़ायदा कर रहे हैं लेकिन वो नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता है।
तो इसको दोस्तों आप हमेशा 10 से 15 हज़ार किलोमीटर के बाद अगर चेंज करना चाहें तो कर दें। अगर हवा लगा के इसमें फिट कर दे रहते हैं तो फिर भी ये चलता रहता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं आती है। लेकिन जब भी आपने इसमें इस्तेमाल करना है, फ़िल्टर चेंज करना है इसका, तो हमेशा आप इसमें एटलस होंडा का जेन्युइन फ़िल्टर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि एयर फिल्टर भी और एयर सक्शन फ़िल्टर भी आपने जेन्युइन ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें से सही जो है वो हवा का गुज़र होगा, तो तभी जाके हमारा एयर सेक्शन वाल जो है वो काम कर सकेगा, यूरो किट जो है हमारी उसी वक्त काम करेगी। और यूरो किट का मकसद तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बड़ी तफसीली वीडियो मैंने बनाई हुई है एएसवी सिस्टम के ऊपर, कि हमारा एएसवी सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है, जहरीली गैसों को ख़त्म करने में मदद देता है, और जितनी भी जहरीली गैसें निकलती हैं उसमें ताज़ा ऑक्सीजन दे के उसको जलाने में मदद देता है या उनको मज़ीद ठंडा कर देता है ताकि वो नुकसान दे ना रहे। अगर वो वीडियो भी हमारी आपने नहीं देखी है एयर सक्शन वाल की, एएसवी किट की, वो कैसे काम करती है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यही मेरी गुजारिश है और यही मैं अपने तमाम दोस्तों से, अपने तमाम मकैनिक भाइयों से गुजारिश करूँगा कि एयर सक्शन फ़िल्टर का जो एयर सक्शन वाल का जो फ़िल्टर है, इसको हमेशा आपने हवा से साफ़ करना है, इसमें पेट्रोल कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो हमें हमारी आपकी पसंद आएगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।